चुने हुए अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद सीलू नकवी हमारे साथ हैं। उनसे हम खास बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्हें जो पद दिया गया है उनकी पद की गरिमा बनाए रखेंगे और सौरी की आवाम के लिए क्या करना चाहेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी जो आपको जिला उपाध्यक्ष का पद मिला है कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और मैं जनता के आवाम को एक संदेश देना चाहता हूँ कि इससे सारे फायदे ही मिल रहे हैं। सबका विकास सबका साथ मोदी जी का कहना है और देश की जनता को एक नया परिणाम मिला है। सौरी की जनता को क्या पैगाम मिलेगा आपके बनने से? सौरी को जनता को बहुत अच्छा पैगाम मिलेगा, इससे लोगों को जोड़ेंगे आगे बढ़ाएंगे। उनकी जितने भी सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं तक जो नहीं पहुँचती हैं सपा सरकार और भाजपा सरकार तक पहुँचाएंगे, उनको लाभ दिलाएंगे। अभी जो ऐसा मुस्लिम महिलाओं के लिए अभी जो ट्रिपल तलाक का जो अभी कानून बना था वो मान हो गया है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा है कानून और इस कानून पे मैं हितैषी हूँ और इससे जो है आगे अत्याचार रुकेगा। जो अत्याचार होता था औरतों के ऊपर वो अत्याचार नहीं होगा। हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई उपाध्यक्ष पद के लिए। इधर देखना हूँ भाई, इधर निसार खान जिला जनता पार्टी के विचारों के साथ जुड़े हैं। वो कहे गए थे कि जब जब सत्ता आई हम केंद्र में भी रहे प्रदेश में भी रहे, तो बताओ मुस्लिमों का कितने उत्पीड़न हुए। अन्य दल लोग एक मुद्दा लेके चल देते हैं गुजरात का। हमें उमाजी जी ने एक बात कही थी सन 2002 में की हर कार्यकर्ता यदि अगर एक अंगुली मास्क के ऊपर उठाकर देख रहे हैं तो अपनी तरफ भी देखें कितनी अंगुलियाँ आती हैं। अब समाजवादी नेताओं बहुजन समाज पार्टी नेताओं की कहना चाहता हूँ